भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बनाई है कमेटी। चीतों की मौत को लेकर ये कमेटी बनाई गई है। कमेटी में 15 विशेषज्ञ शामिल होंगे और आपको बता दें 4 विदेशी एक्सपर्ट भी इसमें शामिल होंगे। कमेटी में सीसीएफ की प्रमुख नामीबिया की लॉरी मार्कर भी शामिल है। चीतों की प्रोग्रेस और मॉनिटरिंग की समीक्षा होगी। 2 साल के लिए ये कमेटी बनाई गई है। हर महीने कूनों में कमेटी की बैठक होगी। कूनों में अब तक 3 शावकों के साथ 6 चीतों की मौत हो चुकी है। तो चीतों की मौत के बाद अब जो है कमेटी बनाई गई है। कमेटी में 15 विशेषज्ञ शामिल हैं और इसमें बता दें आपको 4 विदेशी एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। कमेटी में सीसीएफ की प्रमुख नामीबिया की लॉरी मार्कर भी शामिल हैं। चीतों की प्रोग्रेस और मॉनिटरिंग की समीक्षा की जाएगी। बता दें 2 साल के लिए कमेटी बनाई गई है। हर महीने कूनों में कमेटी की बैठक भी होगी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने यह कमेटी बनाई है। चीतों की मौत को लेकर यह कमेटी बनाई गई है। बता दें आपको पिछले 2 महीनों में 6 चीतों की अब तक मौत हो चुकी है, जिस पर कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो चीतों की मौत लगातार हो रही है, और जो व्यवस्थाएं वहां पर जो होनी चाहिए पर्याप्त क्या वो नहीं है जिस वजह से चीतों की मौत हो रही है। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं वन विभाग के ऊपर, विभाग के प्रबंधन के ऊपर, पर अभी किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। अब कमेटी बनाई गई है। कमेटी जांच करेगी, पड़ताल करेगी, मॉनिटरिंग करेगी कि आखिर किस तरह से चीतों को रखना है और आखिर क्या वजह रही जो चीतों की मौत लगातार हो रही थी। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, चीतों की मौत को लेकर अब कमेटी बनाई गई है, 15 विशेषज्ञ इसमें शामिल रहेंगे, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? रितु जी, केंद्र सरकार के जो एनटीसीए है प्राधिकरण, उसने इस कमेटी को बनाया है और इस कमेटी में 15 एक्सपर्ट रखे गए हैं, जिसमें नामीबिया और साउथ अफ्रीका के भी एक्सपर्ट हैं। ये 4 विदेशी एक्सपर्ट भी हैं इस कमेटी में, और इन सभी कमेटी के सदस्यों को कहा गया है कि जो चीतों की जिस तरह से अभी मौत हुई है या जिस तरह से इनका कन्वर्सन के बाद से जिस तरह की दिक्कतें आ रही है, तो वो सभी मामलों की जांच ये कमेटी करेगी और ये चीतों के संरक्षण और चीतों को आगे किस तरह उनको रहवास की सुविधाएं या अगर कहीं शिफ्टिंग किया जाना, इस तरह के सभी सुझाव ये कमेटी देगी। इस कमेटी को कहा गया है कि ये हर महीने में एक बार बैठक करेगी और ये कमेटी ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि अभी लगातार चीतों और शावकों की मौत हुई है, 3 चीते मर चुके हैं और 3 शावक, तो इतनी सारी मौतों के बाद ये कमेटी जल्द ही कूनों का दौरा करेगी और ये कमेटी उसके बाद देखेगी कि यहाँ पर इन्हें किस तरह की दिक्कत आ रही है और अगर इनकी मौतें हो रही हैं लगातार तो उसके पीछे की वजह क्या है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर ये कमेटी अब जांच करेगी आगे और उसके बाद कमेटी सिफारिश करेगी कि हमें किस तरह का सुधार करना है और चीतों को अगर कहीं शिफ्ट किया जाना है तो वो किस जगह शिफ्ट किया जाए। इस तरह के सभी तमाम बिंदुओं पर ये कमेटी जांच करेगी। अब वाकई कमेटी बनाई तो गई है शैलेंद्र, और जांच भी करेगी, मॉनिटरिंग होगी और सभी मुद्दों पर मंथन होगा, हर महीने बैठक भी होगी, पर ऐसा नहीं लगता ये कमेटी शायद कुछ टाइम पहले बनी होती तो और शायद जितने चीतों की मौत हुई है वो नहीं होती। देखिए, तो जिस तरह की बातें आ रही है, क्या चीतों को शिफ्टिंग के बाद से लगातार मॉनिटरिंग की तो चल ही रही थी और ये भी हो रहा था कि नामीबिया की टीम भी यहाँ थी, साउथ अफ्रीका से जो चीता है उनके लिए भी टीम आई हुई थी और एक्सपर्ट तो लगातार नजर रखे थे। लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ पर कूनों में जिस तरह का टेम्परेचर हाई हुआ है, अभी जो शावक मरे उनके पीछे ये बताया जा रहा है कि उस दिन सबसे ज्यादा तापमान था और इतनी ज्यादा गर्मी थी कि वो चीते उसको सहन नहीं कर पाए शावक, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि कमेटी थोड़ा जल्दी बन सकती थी, पर अब लगातार मौतों के बाद सरकार एक्टिव हुई है और लगातार सभी तरह के उपाय अब किए जाने लगे हैं। ठीक ठीक ठीक। इसी बीच एक बड़ी खबर है, शैलेंद्र लौटूंगी आपके पास, बहुत शुक्रिया। कूनों में चीतों की मौत पर डॉक्टर लॉरी मार्कर ने चिंता जताई है। डॉक्टर लॉरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में जानकारी दी। डॉक्टर लॉरी ने चीतों की मौत को सामान्य बताया है। चीतों की मौत से दुखी हूं, सर्वाइवल चुनौती है, चीते के शावक को बचाने की कोशिशें लगातार जारी है, चीतों की देखभाल कर रहे हैं डॉक्टर और डॉक्टरों से लगातार मैं संपर्क में हूं,
चीता कंजर्वेशन फंड की प्रमुख हैं डॉक्टर लॉरी मार्कर। नामीबिया के सीसीएफ ने भी भारत को चीते दिए हैं। चीते के शावकों को जिंदा रखना चुनौतीपूर्ण होता है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। डॉक्टर लॉरी मार्कर ने चिंता जताई है। लॉरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, जानकारी दी और ये जो मौत हुई है उसको सामान्य मौत बताया है। चीतों की मौत से दुखी भी हैं वो, उन्होंने कहा और कहा कि चीते के शावक को डॉक्टर बचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर लॉरी मार्कर ने चिंता जताई है इस पूरे ही मसले पर लेकर। और हमारे साथ खास जानकारी के लिए सुधीर दीक्षित हैं, एडिटर हैं, वो जुड़ गए हैं। सुधीर जी, अब कमेटी का गठन तो कर दिया गया है, कमेटी है, निगरानी करेगी, मंथन करेगी कि आखिर क्या वजह रही जो मौतें लगातार हो रही हैं और किस तरह से अब सेफ रखा जाए बाकी चीतों को। इस पर डॉक्टर लॉरी ने भी कहीं ना कहीं दुख व्यक्त किया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये चीतों की मौत की खबरें आ रही हैं और लगातार चीतों की मौत हो रही है, जब पहली बार चीतों की मौत हुई थी तब भी कहा गया था कि ये सामान्य घटनाक्रम है, क्योंकि चीतों के लिए जिस तरह का क्लाइमेट चाहिए होता है वैसे क्लाइमेट में उनको जिंदा रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब चीते के तीसरे शावक की मौत हुई तो हमने लॉरी मार्कर से बात की तो उनको हमने ये बताया कि भाई जो कमेटी बनाई गई है इस कमेटी में जो चार विदेशी विशेषज्ञों को शामिल किया गया है उनमें सीसीएफ जो है चीता कंजर्वेशन फंड है जो नामीबिया का उसकी प्रमुख डॉक्टर लॉरी मार्कर इनको भी शामिल किया गया है। तो जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने इसे बताया कि ये बहुत दुखद घटना है लेकिन ये अनयूजुअल नहीं है, यानी कि ये कोई असामान्य घटना नहीं है, बहुत सामान्य घटना है। क्योंकि चीतों के जब भी जो बच्चे होते हैं जो शावक होते हैं उनको तकरीबन एक साल तक जिंदा रखने की चुनौती होती है, क्योंकि अलग अलग तरह के बैक्टीरिया अलग अलग तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं ऐसे में उनको सुरक्षित रखने की चुनौतियां जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं। हालांकि उम्मीद ये कर रही है, साथ ही साथ उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि चीतों की संख्या या जो रिप्रोडक्शन है वो भारत में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा और जो चीते का एक बच्चा जो बचा है उसको हम लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार वो जो डॉक्टर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं या जो टीम मॉनिटरिंग कर रही है उनके संपर्क में भी है। तो नामीबिया से भी वो लगातार नजर रखे हुए हैं। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से चीतों की देखभाल हो रही है सारी चीजें हो रही है वो वैसी ही हो रही है जैसी कि उनकी की जानी चाहिए, लेकिन कई बार जो होता है कि चीतों को जिंदा रखने की चुनौती जो है वो बड़ी बन जाती है, लेकिन कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है और धीरे धीरे भारत में जो है चीतों की कुनबा जो है वो बढ़ने लगेगा और जैसे जैसे चीते मौसम के अनुकूल अपने आप को ढालते रहेंगे तो यहाँ पर आबादी भी उनकी बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन जहां तक ये शावकों की मौत का सवाल है तो ये चुनौती हमेशा से रहती है। वो चीते की बात नहीं, जितने भी वाइल्ड लाइफ के जो जानवर होते हैं खासतौर से जिनको हम हिंसक जानवर बोलते हैं इस तरह के जो जानवर होते हैं उनमें ये चुनौती हमेशा से रहती है। जी।